hello everyone i am hakeem sakina welcome back to Wingsick oran i am going to deal with current uh, fes part component of your jkssb exams like uh, JKPSA, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स एज वेल तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जब जेके एस एस बी जो है करंट कंपोनेंट जब वो आपसे पूछता है वो आपको फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ्स का जितना भी करंट है ना वहां से आपका जो है जेके एस एस बी आपसे पूछता है करंट अफेयर्स का पार्ट तो अगर हम लेके चलते हैं देट्स यूर फ्रॉम ऑगस्ट से लेके ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर एंड यूर जैन यानी ऑगस्ट से लेके जैन तक आपसे वो पूछ सकता है करंट अफेयर्स का पार्ट और अगर हम ये लेके चलते हैं कि फैब में आपका पेपर जो है वो सेट हुआ होगा

करूंगी, मैं आपको क्रक्स पढ़ाऊंगी ओके अब जैसे हम अगस्त का पार्ट लेते हैं क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो पीडीएफ करके हमने इसमें टाइप कर दिए हुए हैं। तो हम जैसे अगस्त पढ़ते हैं हम उसमें अगस्त में हम क्या पढ़ेंगे पहला जो आज हमने पढ़ना है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ेंगे लद्दाख पढ़ेंगे हम क्या करंट अपडेट हुआ है हम इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स के बाद हम बुक्स पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जेके एस एस बी कोई ना कोई बुक हमेशा जरूर पूछता है और उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे ओके तो हम स्टार्ट करते हैं जो है जम्मू एंड कश्मीर से हम स्टार्ट करते हैं अगस्त का अपडेट ओके, दैट इज प्रूफ ऐप ओके अब देखते हैं ये प्रूफ ऐप क्या है ये जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोहर सिन्हा हैं, उन्होंने ये लॉन्च ये ऐप की ये क्या करेगा आप इसको ऐसे याद रखिए ये जो ये ऐप है ना ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा और अकाउंटेबिलिटी लाएगा इन गवर्नमेंट सिस्टम में कैसे हम देखते हैं जैसे जितनी भी यूटी में हमारे डिपार्टमेंट्स है ना जितने भी यूटी में डिपार्टमेंट्स है जो गवर्नमेंट ने उनको प्रोजेक्ट्स दिए होंगे ना ये उनको मॉनिटर करेगा कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है और दूसरा ये क्या करेगा जो क्या ये टाइम फ्रेम वर्क से मतलब टाइमली कंप्लीशन करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जैसे उनको एक टाइम स्पेसिफिक टाइम दिया होगा इस टाइम पीरियड में आपने जो है वो आपने ये काम करना है तो वो भी ये मॉनिटर करेगा इट मीन की दिस ये जो प्रूफ एप है ये एक्ट उनको करेगा एज अ व डॉग इनको एक्ट करेगा ओके okay, अब हम इसको देखते हैं प्रूफ ऐप क्या है जो मैं कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा लॉन्च दिस प्रूफ ऐप

एक तो वो जैसे कोई भी आ, आ, उन डिपार्टमेंट्स में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं होता है तभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आ, उन्होंने क्या किया प्रूफ ऐप जो है ये लॉन्च की जम्मू एंड कश्मीर में अब आप देखते हैं प्रूफ का मतलब क्या है प्रूफ क्या स्टैंड करता है दैट इज फोटोग्राफिक रिकॉर्ड आर से रिकॉर्ड okay, पी से फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ओके आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछा जा सकता है कौन सी एप है जो जो एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने लॉन्च की है उन्होंने तो वो कौन सी एप है जो एंड डिपार्टमेंट्स आपसे क्वेश्चन आ सकता है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर पार्ट देखिए ये व्हाट प्रूफ स्टैंड हमने बोला ओके okay? अब हमारा जो है पार्ट That is floating ATM. क्या है फ्लोटिंग एटीएम अब क्या है इसका दिस इस फ्लोटिंग एटीएम टी इन ओपन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर इन अ हाउस बोट एट डल लेक आपसे डायरेक्टली आ सकता है फ्लोटिंग एटीएम जो है वो किस लेक पे जो है वो बनाया हुआ है वो किस पे है डल लेक ओके अब इसका एम क्या है देखिए इसका ये एम है इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ दो पीपल्स जो वहां पे रहते हैं जो मतलब हाउस बोट डल लेक एरिया में जो रहते हैं और जो टूरिस्ट है उनकी कन्वीनियंस के लिए ये जो है फ्लोटिंग ए बनाया हुआ है और इसमें दूसरा पॉइंट

फ्लोटिंग uh, एटीएम को ओपन किया जो मेन कश्मीर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच बैंक और एक्सिस बैंक तो हमारा जो राइट आंसर होगा इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए अब ये न्यूज में तो आया ही आया ओके अब आपसे क्या पूछा जा सकता है स्टेट बैंक के बारे में स्टेट बैंक के हेडक्वार्ट पूछे जा सकते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है वो कहां पे है दैट से मुंबई मुंबई में और इनके हेड पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए जब भी कोई करंट अफेयर पार्ट आता है ना जरूरी नहीं आपको उसी टाइम जो है उसी टाइम का जो अपडेट है वो पूछा जाए उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हमने मुंबई रखे और उसके बाद जो है इनके हेड कौन है स्टेट बैंक के वो है श्री दिनेश कुमार ओके, okay? ये है। अब इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है फ्लोटिंग एटीएम का आपसे पूछा जा सकता है आप बताइए फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम जो है वो इंडिया में कहां बना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जरूरी नहीं आपको यही पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा पहला फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम कहा फर्स्ट बना इंडिया में दैट्स केरला किसने बनाया वो भी किसने बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया ओपन किया उसको कब इन 2004 में अब देखिए ये भी न्यूज़ में था कि केरला के, के रिलेटेड भी न्यूज़ में यही था फ्लोटिंग एटीएम के रिलेटेड कि इस फ्लोटिंग एटीएम को किसने ऑंड किया ओके okay. उसको किसने ऑंड किया है इस फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम जो केरला का है उन्होंने तो एसबीआई नहीं बनाया बट उ किसने किया दैट इज केरला केरला शिपिंग एंड एंड से इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन और ओके ये क्वेश्चन जो आपको फ्लोटिंग एटीएम के रिलेटेड जो है ये आपसे पूछा जा सकता है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर ओके नाउ कार खानदार स्कीम यह कार खानदार स्कीम यह स्कीम जो है यह लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट गौर, गौर्न, ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट सेक्टर किसके लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट सेक्टर इन द यूटी देखिए जब भी कोई स्कीम आती है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ओके okay? जैसे हमें पता है कारखान दार देखो कारखान कारखान होता है जो कारखानाज होते हैं दार ये कश्मीरी वर्ड है दार मतलब उसके रिलेटेड स्कीम ओके दार का मतलब ये है कारखानाज के रिलेटेड स्कीम अब ये किसके लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट सेक्टर इन यूटी अब रीजन क्या है इसका रीजन ये रहा है आप देखिए जितने भी पीपल क्राफ्ट डिपार्टमेंट में या क्राफ्ट सेक्टर में काम करते हैं ना वो कहीं ना उनको कहते हैं जो क्राफ्ट सेक्टर में पीपल का वर्क करते उनको कहते हैं ट्रेनीज वो जो ट्रेनीज है उनको कहीं ना कहीं जो है वो एक्सप्लॉयटेड है ड्यू टू पॉवर्टी उसकी वजह से वो क्या हो जाता वो इस सेक्टर को अबेंडन करते हैं वो इसमें काम नहीं करते हैं तभी इसको लाया गया ताकि उनकी जो है इंक्रीज हो जाए उनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाए उनके लर्निंग टेक्निक्स इंक्रीज हो जाए उनके कही न कहीं ना कहीं इसे इंकल्केट हो जाए एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज उनमें इसीलिए ये, ये स्कीम जो है ये लॉन्च की अब देखिए ये पहले मैंने कहा क्राफ्ट सेक्टर के लिए रीजन क्या है द पीपल वर्किंग इन द क्राफ्ट सेक्टर और एक्सप्लॉयटेड एंड ट्रैप्ड इन पॉवर्टी साइकिल which forces them to abandon craft activity aim kya hai is scheme ki this scheme increases their learning technique earnings and inculcate entrepreneurship qualities in them ab question kya aa sakta hai aapko simple कर खानदार scheme is for किन के लिए कर खानदार scheme? तो पहला क्या है आपका Farmers, artisan and weavers. आगे चलते आगे देखते हैं क्या है okay.

पर मंथ फॉर लॉजिस्टिक चार्जेस तो कारखानदार स्कीम में कितना ट्रेनीज़ को दिया जाएगा पर मंथ दैट इज रुपीज टू थाउजेंड ओके अब आपसे यह पूछा जा सकता है कारखानदार स्कीम जो है वो जो मैं कश्मीर गवर्नमेंट uh, ने तो लाई बट किस डिपार्टमेंट ने लाई दैट इज यूअर डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ओके डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ने कारखानदार स्कीम लाई और उसके बाद जो है इनका हेड कौन है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का ये भी पूछ सकते हैं यहां से क्वेश्चन वो है महमूद अहमद शाह ओके okay, ये क्लियर हो गया आपको अब इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं ओके okay. क्या है स्कून स्कून क्या है देखते हैं इट इज मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन ये बेसिकली क्या है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है ये जो 24 फोर इंटू सेवन आपके लिए अवेलेबल है ये लॉन्च हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है अब क्या है अब देखिए आप देख रहे हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स जो जो एंड कश्मीर के यूथ्स है उनमें जो है आ, सुसाइडल टेंडेंसी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सुसाइड्स वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं इधर इट इज ड्यू टू एब्यूज जैसे वो ड्रग लेते हैं या इधर ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई भी डिप्रेशन है इसीलिए इस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर को लाया गया जिसका नाम स्कून है देखिए इट विल गाइड पीपल पीपल यानी यूथ्स को ये गाइड करेगा डीलिंग विद एंजाइटी जिनको एंजाइटी है पी

एस डी आर एफ या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ओके इसका जो आंसर है दैट इज एस डी आर एफ अब एस डी आर एफ क्या होता है दैट इज स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एस डी आर एफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने इस स्कूल जो है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर इसको इनोग्रेट किया ओके अब आगे चलते हैं अब है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वन ओके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांदवन ओके okay. ये क्यों न्यूज में था देखिए आपसे ये ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसका नाम जो है इट वॉज रीनेम्ड एज शहीद स्पॉय बुआ दत्ता सिंह यानी इस स्कूल को रीनेम करके क्या नाम रहा? मतलब इसका नया नाम दिया क्या शहीद स्पॉय बुआ दत्ता सिंह ये वीर चक्र एवॉडी है तो आप ये क्या है टू गिव ऑनर फॉर द सैक्रिफाइस इन्होंने क्या किया है टू गिव ऑन इसको इसलिए इस स्कूल का नाम रखा टू गिव ऑनर फॉर द सैक्रिफाइस मेड बाय हिम व्हाइल प्रोटेक्टिंग कंट्री इन पुच सेक्टर ऑन 16th अगस्त 1948 ओके okay? तो आपसे एक क्वेश्चन क्या आ सकता है अभी रिसेंटली है एक गवर्नमेंट स्कूल जो है उनका नाम चेंज होके किस आ, जो है आ, के नाम से उसको रीनेम किया तो दैट इज शहीद सिंह और वीर चक्र भी है ये इंपॉर्टेंट तो। है और आपसे पूछा जाएगा जो ये शहीद सुपॉय बुआ दत्ता सिंह स्कूल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो पड़ता है तो ऑप्शन इज पुच कठुआ अनंतनाग या बारामूला दैट इज कठुआ ओके okay. अब चलते हैं आगे बांगस आवाम मेला बांगा सवाम मेला क्या है ये लॉन्च हुआ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे हंदवारा हंदवारा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो पड़ता है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में तो कहां हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में हंदवारा में हुआ है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा

या गॉफ वॉर्स हुए हैं इसमें हॉर्स रेसेस हुए हैं तो यहाँ पे ये इसका पूछा जा रहा है कि बंगस अवाम मेला कहाँ पे हुआ अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है बंगस आवाम मेला जो है हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर टू मार्क बंगस आवाम मेला जो है ये किस लिए जो मैं कश्मीर में किस लिए हुआ अब हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस

2020 में तो इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी बट ड्यू टू कोविड रिलेटेड कंसर्न्स तो उन्होंने क्या किया इस बार जो है 2021 में इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी आर्टिकल 370 अबोगेशन की कि वो किसके थ्रू की बांगस अवाम मेला के थ्रू ओके okay, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है यहां से ओके okay, अब हम लद्दाख की ओर चलते हैं ओके लद्दाख लद्दाख का पहला क्या आता है पानी माह कंपेन पानी माह कंपियन ऑल्सो नोन एज वॉटर मंथ कंपेनियन कहा जाता है इसको क्योंकि पानी माह तो माह तो मंथ होता है पानी यानी वॉटर इससे हो जाता है ये आ, समझ आ जाता है दिस दिस कंपेनियन वॉज लॉन्च इन लद्दाख ये कहां पे हो गया ये पानी महकम पियन कहाँ चला लद्दाख में चला अब इसका एम क्या था इसका ये एम था ये अवेयरनेस प्रोवाइड करता किसके बारे में अबाउट द क्लीननेस ऑफ वाटर टू द विलेजर्स जो लद्दाख के विलेजर्स हैं उनके उनको क्या करना था अवेयरनेस कर देनी थी अबाउट द क्लीन वाटर फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख को ओके okay, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको इसमें अंडर पानी मा द लद्दाख गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज हाउ मच और फर्स्ट ब्लॉक इन ईच डिस्ट्रिक्ट दैट अचीव्स द स्टेटस ऑफ हर घर जल क्या कहा जा रहा है क्या था अंडर पानी मां जो लद्दाख गवर्नमेंट ने कितना कहा फर्स्ट अगर जो डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख का अगर वो अचीव करेगा स्टेटस किसका हर घर जल हर घर जल जो है हर घर जल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया था कि हर घर जो है वो मतलब नल जो है वो पहुंच जाएगा दैट मीन ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया था अगर जो डिस्ट्रिक्ट अचीव करेगा स्टेटस ऑफ़ हर घर जल उसको इस पानी माह के अंडर क्या दिया जाएगा टू पॉइंट रुपीज टू पॉइंट एट मिलियन रुपीज फोर पॉइंट एट मिलियन और रुपीज सिक्स पॉइंट फोर मिलियन तो कितना दिया जाएगा रुपीज टू पॉइंट फाइव मिलियन ओके रुपीज तो लिखा है टू पॉइंट फाइव मिलियन देखो ये जो हर घर जल ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है ना वो दो मिनिस्ट्रीज को मिला के जो है 2019 में एक मिनिस्ट्री बनाई थी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओके okay? ये भी हो गया अब लद्दाख का और एक चीज देखते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर इंडिया गॉट वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर कहाँ पे उनको मिला वो कितने ऑल्टीट्यूड पे जो है वो सिचुएटेड दैट इज वन वन फाइव सिक्स टू कहाँ पे है लेह लद्दाख में ओके okay? अब क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से इंडिया को जो गॉट वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो लेह लद्दाख में फिर क्वेश्चन आ सकता है विच फिल्म वॉज शो इन लेह थिएटर में कि इसमें कौन सी फिल्म जो है वो शो कास्ट हुई है तो वो कौन सी हुई है is, Bell Bottom. Bell Bottom किसकी मूवी है अक्षय कुमार की ओके okay. चलो अब आगे करंट अफेयर्स पे चलते हैं वो हमारे आ जाएंगे इंटरनेट सॉरी वन मिनट ओके इंटरनेशनल इवेंट्स पे हम आते हैं अगस्त अपडेट पहले आ जाता है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स ओके इंटरनेशनल इवेंट्स से एक चाहे कोई सबमिट है उसमें जरूर एक ना एक आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है देखो ये न्यूज़ में क्यों आया जब 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया का दैट वो वो 94th पोजीशन उसकी जो है वो रैंक थी पोजीशन अब जो 2021 अगस्त में जो है वो रैंक जो है वो और भी कहां पहुंच गई 101 पोजीशन पे दैट मींस जब ये रैंक बढ़ जाता है यानी उस जगह का ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी जो है वो बढ़ जाता है दैट मींस इंडिया हैज स्लिप्ड ंगजिशन countries? Countries, रैंक तो आप क्या बोलेंगे पहुंच गया अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है बेसिकलीसिवली मेजर एंड ट्रैक का करता है, हंगर. किस कंट्री में कितना हंगर है ठीक है ना या, ये ग्लोबली भी देखता है भी भी देखता है, and भी जो है, ये देखता है 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 जो 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 ये कि किस कंट्री में कितना जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है. अब इसको हम four indicators पे जो है, वो करते हैं कितने इंडिकेटर्स हंगर इंडेक्स को मेजर करते हैं फोर पे पहला माल न्यूट्रिशन सेकेंड चाइल्ड वेस्टिंग पे देन चाइल्ड स्टनिंग पे एंड लास्ट वन जो है दैट इज चाइल्ड मोर्टलिटी पे लिटी ओके okay? यानी चार इंडिकेटर्स पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम मेजर करते हैं ओके okay, अब देखिए अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोस्ट एफेक्टेड बाय हंगर एंड माल न्यूट्रिशन यानी सबसे ज्यादा जो है कौन सी कंट्री जो आई है जो बहुत ज्यादा है आपकी हंगर एंड माल न्यूट्रिशन से दैट इज यानी जिसका बॉटम रैंक है ओके okay, उन वो है सोमालिया एंड यमन ठीक हो गया अब आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन के अब हमारे से यह पूछा जा रहा है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन करता है आई एफ पी आर आई इसको इफप्री भी कहा जाता है वर्ल्ड हंगर हेल्थ कॉमन कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड ऑल ऑफ द एबो ये जो इफप्री है ना ये क्या है बेसिकली ये है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूशन ओके इसको शॉर्ट में हम इफ प्री बोलते हैं। इफ प्री या इन कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने या वेल्ट हंगर हेल्प ने या टू थाउजेंड सिक्स तक जो है ना वो सिर्फ इफ प्री करता था अब उसके बाद जो है ये वाली जो है ये जर्मन बेस्ड एन जी ओ है एंड ये जो है ये आयरिश बेस्ड एन है तो इस बार जो है ये सारे करते हैं इसमें ओके okay, बट आपका जो जेके एस एस बी है वो इतना नहीं पूछ सकता आपसे सिंपल आ सकता ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है तो दैट इज ऑल ऑफ द ओके चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में ये आ रहे हैं देखते हैं वो कौन है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ओके ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट 2020 क्या है इंडिया ने इसमें रैंक लिया है 100 122 यानी 122 रैंक लिया है इन द 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स ओके इसमें कितनी कंट्रीज है 181 कंट्रीज है देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव ये है ये हमारी गवर्नमेंट जितनी भी इसके मेंबर कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट्स को हेल्प करेंगे किस में ताकि आप आइडेंटिफाई वो पॉलिसीज एंड वो प्रोग्राम्स लाओ जिसकी वजह से इम्प्रूव क्या हो जाएगी यूथ की डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन यानी हेल्प हमारे मेंबर नेशंस जो इसके हैं तो उनको हेल्प कर देती है किस में ताकि आप देखिए कि आप कौन से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाओगे ताकि आप डेवलपमेंट करोगे यूथ डेवलपमेंट एंड द पार्टिसिपेशन इसके इंडिकेटर्स ट्वेंटी होते हैं लाइक like, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इसमें लिटरेसी उनकी आ जाती है इनकी एम्प्लॉयमेंट uh, आ जाती है इनके वोटिंग राइट्स आते हैं और कितना यूथ्स का जो है वो पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन कितना है तो ये इंडिकेटर्स पे हम इसको मेजर करते हैं तो फिर उसके बाद ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट रिपोर्ट बन जाती है देखिए इस बार जो है सबसे रैंक टॉप मोस्ट कौन है जिनका ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा रहा है दैट इज युवा सिंगापुर सिंगापुर और टॉप लूजर यानी बॉटम मोस्ट किन का है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट में दैट इज सीरिया एंड यूक्रेन इनका बॉटम रैंक है और टॉप मोस्ट रैंक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट का कौन सा है सिंगापुर और इंडिया का कितना है 122 रैंक है इंडिया का अब आगे चलते हैं इसमें देखते, आगे क्या है। है, क्वेश्चन जैसे वहां पे कौन करता था वहां पर इफ्री कर देता था ठीक है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बट ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन करता है जनरल असेंबली यूथ एनजीओ या कॉमनवेल्थ सेक्रेट तो यूर आंसर इज कॉमनवेल्थ वेल्थ ये कहां पे इसके हेडक्वार्टर्स है लंदन में ठीक चलो आगे की ओर चलते हैं दैट्स यूर सेगो देखते हैं पहले होता क्या है इट इज इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ नोवल पैथोजिन देखिए हुआ क्या है ये सैगो जो है ये एक एक्सपर्ट या एडवाइजरी ग्रुप बनाया है ताकि ये स्टडी करे ऑरिजिन ऑफ द कोविड 19 पैथोजिन वेरिएंट को ये करे देखिए आप देखते हैं हमारी कितनी कोविड नाइनटीन की तो ये बेसिकली ये देखेगा कि ये जो कोविड नाइनटीन है इसके वेरिएंट्स कैसे बदलते हैं तो बेसिकली ये ओरिजिन ऑफ द नोवल कोविड पैथोजेंट वेरिएंट को स्टडी करेगा अब हमारा ये है कि सेगो जो है

बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसका आज वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है okay? ओके अब क्या है डब्ल्यू एच ओ आई बी आर डी ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा राइट आंसर जो है दैट इज डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब आपसे पूछा जा सकता है डब्ल्यू एच ओ के हेडक्वार्टर कहां पर है दैट इज जनीवा जनीवा स्विटर लैंड Okay. अब क्वेश्चन आ सकता है डब्ल्यू एच ओ का जो है वो हेड कौन है वो कौन हेड है हैचओ का हेड कौन है ओके डब्ल्यू एच ओ का भी कंप्लीट हुआ कहा इसके हेडक्वार्टर है और सेगो जो है वो किसने क्रिएट किया और सेगो क्या है ये भी हमारा हो गया अब हम आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर ओके okay. अब क्या पूछा जा रहा है सेफ सिटीज इंडेक्स सेफ सिटीज इंडेक्स जो है इट इज बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल एंड द एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इसके ये कुछ पैरामीटर्स है जिसकी वजह से हम सेफ सिटी इंडेक्स जो है वो देखा जाता है देखो वर्ल्ड से कितनी सिटीज ली है इसमें सिटीज सिटीज ली है फिर 60 जो है फिर जो उनके देखा गया है ग्लोबली सिक्सटी सिटीज ली उनमें देखा गया है कि ये कि, किन इंडिकेटर्स पे देखा जाता है हेल्थ कैसा है दिज, मतलब डिजिटाइजेशन कैसी है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां पे पर्सनल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कैसी है ठीक है तो अब जो सेफ सिटीज इंडेक्स जो है वो रिलीज कौन करता है आपका आ जाता है इसमें डब्ल्यू एच ओ आई बी आर डी आई यू या डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा इसका तो राइट आंसर जो है दैट इज ई आई यू दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अब इसके आपको हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे वो कहाँ पे है लंदन में तो यानी का जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है ई आई यू इंटेलिजेंस यूनिट जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और आपसे फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनके जो हेड कौन है दैट इज हेड कौन है इनके रॉबिन ब्यू ओके okay. अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हमारी इंडिया में जो है सिटीज ली है रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन सेफ सिटीज इंडेक्स रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन सेफ सिटीज इंडेक्स में क्या है हमारी न्यू दिल्ली भी जो है उसका भी रैंकिंग इन्होंने की है वो 20 है 48 है 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 या इधर 20, uh, 21 है. तो वो कितना न्यू दिल्ली का दैट इज देखो फैक्टुअल आपको जेके एस एस भी पूछेगा ही पूछेगा कि आप बताओ न्यू दिल्ली का सेफ सिटी इंडेक्स कितना रहा है या मुंबई का कितना रहा है अब हम देखते हैं रैंक ऑफ मुंबई क्या रहा है रैंक ऑफ मुंबई जो रहा है वो रहा है हमारा फिफ्टी ओके okay, अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछा जा रहा है ओके okay, हाँ, इसमें एक और चीज जो है सबसे जो है वर्ल्ड की जो सेफेस्ट सिटी जो है ना जो आई है टू थाउजेंड uh, सेफ ट्वेंटी वाले सिटी इंडेक्स में दैट इज योर कोपेनहेगन हैगन कोपेनहेगन हैगन हैगन किसकी ये सिटी है ये कैपिटल किसकी आती है डेनमार्क सेफेस्ट मानी गई है वर्ल्ड की और बॉटम लिस्ट में जो है जो बॉटम लिस्ट में जिसका रैंक है दैट इज ठीक है क्या है वर्ल्ड की जो सेफेस्ट है कोपेनहेगन डेनमार्क की और जो टॉप बॉटम जिसका रैंक आया दैट इज यंगून मर और रैंक ऑफ मुंबई मैंने आपको बोला फिफ्टी है एंड रैंक ऑफ दिल्ली कितना आया दैट इज फोर्टी एट आया है अब आगे की ओर हम चलते हैं ओके okay. ये आया हमारा निसार निसार क्या है एन से क्या आया नासा आई से इसरो नासा और इसरो का कुछ ज्वाइंट में है देखते क्या है पहले नासा इसरो सिंथेटिक रडार ओके इट इज ज्वाइंट सैटेलाइट

अब पूछा गया कहते जो है है उन्होंने किया है, इस पे निसार पे निसार किसकी प्रेजिडेंटशिप में दैट इज बराक ओबामा बराक ओबामा चलो आगे चलते हैं इसके अब क्या है गजनवी गजनवी क्या है इट इज न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में गजनवी क्या है वो आप क्या देंगे ये बैलिस्टिक मिसाइल है बट कौन सा है न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू तो सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो सक्सेसफुली टेस्टेड किया है पाकिस्तान ने यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है गजनवी जो है बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री का दैट इज पाकिस्तान और इसकी रेंज भी पूछी जा सकती है वो रेंज क्या आप देंगे टू नाइनटी ओके 290 किलोमीटर इसकी रेंज है फिर आपसे पूछा जा सकता है दूसरा जो है इनका फतेह फते, वन, फते वन क्या है? बट यह पाकिस्तान का इंडिजीनियसली डेवलपड जो है एम एल आर एस है अब इसका रेंज आपसे पूछी जाएगी दैट इज वन हंड्रेड एंड फोर्टी किलोमीटर्स ओके कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सी डी आर आई तो सी डी आर आई देखते हैं पहले होता क्या है दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ओके यानी नेम से ही इंडिकेट होता है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मींस हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना है जो रेजिलिएंट हो यानी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना जो हमें डिजास्टर की पहले ही डिजास्टर आने से पहले हमें वॉर्न करे ताकि हम प्री प्लानड रहे अब क्या है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब, हमारे sahab, sahab, जब कहां पे गए थे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक एक्शन सबमिट टू थाउजेंड नाइनटीन में गए थे जो कहां पे हुई थी न्यूयॉर्क में okay? वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच में इसको इनिशिएट किया हुआ तो इन्होंने क्या कहा इट इज एन इंटरनेशनल मल्टीलेटर डेवलपमेंट बैंक होगा यहाँ प्राइवेट सेक्टर का ये कोलिशन है इसका एम क्या है मकसद क्या है इसका to promote disaster resilient infrastructure, जो मैंने पहले कहा कि एक ऐसा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो हमें पहले जैसे कोविड था तो उससे पहले अगर हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो हमें पहले ही वॉन कर देता तो हम ताकि प्रिपेयर रहते ओके okay, तो इसी तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था ये बनाने के लिए आ, हम सी डी आर जो है उन्होंने इनिशिएट किया अपनी स्पीच में जब 2019 में बट अब ये है कि अगस्त 2021 में इसमें क्या चेंज आई या क्या हुआ ऐसा कि ये अपडेट हमारे अगस्त में बन गया अब देखें आगे चलते इसमें वाई इट वॉज इन न्यूज ये न्यूज में क्यों था क्या कहते हैं इस इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश एंड कनाडा बिकम इट्स मेंबर्स ओके बांग्लादेश एंड कनाडा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि आ, कौन से जो जो है वो members, जो है वो वो मेंबर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन हो गए किसमें सी डी आर आई में तो वो कौन से है बांग्लादेश एंड कनाडा इस सी डी आर आई के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है वो है न्यू दिल्ली में ओके okay, फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आफ्टर बिकमिंग बांग्लादेश एंड कनाडा इट्स मेंबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज फिर फिर कितनी हो गई जब बांग्लादेश एंड कनाडा ने इसको ज्वाइन किया तो टोटल तो 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 फिर मेंबर्स इसके कितने हुए सीडीआर कि? के दैट इज 25 मेंबर्स हो गए अलोंग विद सेवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के समेत जो है उसके 25 मेंबर्स हो गए आगे करंट अफेयर की ओर चलते हैं हाँ अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज इन शॉर्ट सबसे पहला हमारा आता है ब्रिक्स समिट ओके ब्रिक्स समिट क्या है इट इज एक्रोनियम इमर इकॉनमी भी कहा आपसे जरूरी नहीं है कि आपको ऑगस्ट आप का टू थाउजेंड ट्वेंटी बट जो भी उसका बैकग्राउंड है उसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये क्या इमर्जिंग नेशन इकोनमीज ऑफ फाइव कंट्रीज उसमें ब्रिक्स में कौन सी आती है बी फॉर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड यूर साउथ अफ्रीका ओके अब ये जो टर्म जो है क्वाइनेड बाई टर्म किसने कॉइन की थी ये ब्रिक्स वाली दैट इज जिम ओ नील जो इकोनॉमिस्ट थे अब आपसे बैकग्राउंड इसका ये भी पूछा जा सकता है बताइए फर्स्ट ब्रिक्स सबमिट जो है वो कहाँ हुई थी आप बताएंगे रेशिया ओके okay, पे हुई? ये कहांतनबर्ग रेशिया में ट्वेल्थ ब्रिक्स पूछी जाएगी सबमिट uh, पे पे वो भी कहां पे हुई? में देखो बैकग्राउंड हमेशा पूछा ही पूछा ही जा सकता है और अगर नया अपडेट है तो उसका उस टाइम का नहीं पूछा जा सकता उसका जो अगले साल का न्यू अपडेट है वो भी पूछा जा सकता है और फोर्टीन जो अब आने वाला है टू थाउजेंड में इस साल मतलब वो कहां पे होना है चाइना बीजिंग में ओके okay, अब सवाल ये है कि ब्रिक्स जो ब्रिक्स जो है समिट ये न्यूज में क्यों था क्योंकि ब्रिक्स सबमिट जो है वो थर्टीन ब्रिक्स सबमिट जो थी 2021 कहां पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे थर्टीन ब्रिक्स सबमिट थी जो कहां पे हुई इंडिया में हुई और आप ये भी याद रखेंगे जहां पे होती है ना उधर का ही पीएम जो है उसको क्या करता है चेयर करता है उस सबमिट को अब हम देखते हैं न्यूज में क्यों थी अगस्त में तो आगे चलते हैं ओके अब इट वॉज इन न्यूज ओके प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चर दिन ब्रिक्स सबमिट वर्चुअली हेल्थ इन इंडिया क्या आपको आ सकता है थर्टींथ ब्रिक्स सबमिट जो है वो कहा हुए वो इंडिया में हुई चेयरर्ड किसने किया जहां पे होती है वहीं के पीएम जो है इनको चेयरर्ड करते हैं तो किनोंने की श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनको चेयरर्ड की ये थर्ड टाइम था कि जब इंडिया होस्ट कर रहा था ब्रिक्स सबमिट मतलब 2021 में 13th हुई तो इससे पहले कब हुई थी 2012 में फर्स्ट टाइम 2016 में सेकंड टाइम और 2021 में थर्ड टाइम हो गई ओके अब उस टाइम पे थीम क्या था इसका आप ऐसे याद रखेंगे कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस ओके इसमें आपको जो है वो चेंज करके भी दे देंगे बट आपको इस तरीके से इसको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वन से ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर देखिए अभी तक हमने पढ़ा था ब्रिक्स समिट अब जो ब्रिक्स क्या है ये ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर समिट है ये क्योंकि जितनी भी, uh, है जितने भी मेंबर नेशंस है ना इनके जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर है ना अब ये उनकी मीटिंग है ओके तो ये किस लिए है स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए अब पूछा जा रहा है डैश मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर वो कितनी वाली थी ट्वेल्थ इलेवंथ थर्टींथ एंड फर्स्ट तो ये कितनी थी इलेवंथ देखो आप इसको कैसे याद रखेंगे मैंने आपको कहा ब्रिक्स जो सबमिट थी वहां कौन सी थी थर्टींथ बट अगर ब्रिक्स आपको आ जाएगा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की कौन सी थी दैट वॉज इलेवंथ तो हु चेयर्ड दिस मीटिंग प्लीज प्लीज कंफ्यूज नहीं हो जाना देखो इंडिया में तो हुई है बट उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स सबमिट की थी बट जो ब्रिक्स uh, मतलब चेयर्ड उसको किया था बट ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर में चेयर्ड कौन करेंगे वो करेंगे नरेंद्र नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है एंड फार्म वेलफेयर है तो दैट मींस उधर ही के चेयर कर देते जहां ये होनी होती उधर ही के जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वो इसको चेयर करते बट ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी साहब पीएम कर देंगे ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट ओके हु चेयर दिस मीटिंग ये हो गया अब आगे चलते हैं क्या पूछ रहा है एस सी ओ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मीटिंग अब क्या है एस सीओ एस क्या है शिंगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिंगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मीटिंग जो है वो कौन सी है और कहाँ हेल्ड हुई हेल्ड इन दुशांबे दुशांबे में हेल्ड हुई दुशांबे किसकी कैपिटल है तजाकिस्तान की okay. नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेस एड देखो मैंने पहले कहा था नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने चरड किया था

पाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में हुई नरेंद्र सिंह तोमर जो है यहाँ से आ, उसको एड्रेस करके और हेड क्वार्टर्स ऑफ एस सी कहाँ पे है हेड क्वार्टर्स इसको बीजिंग बीजिंग चाइना में ओके okay. अब आगे चलते हैं दैट्स यू आर सीओ समिट देखिए जिस तरह ब्रिक्स सबमिट था फिर उसके बाद ब्रिक्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर की सबमिट थी अब इसी तरह एस सी ओ सबमिट पढ़ के और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था एस सी ओ बट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ओके अब देखते एस सी ओ सबमिट क्या

क्या करने के लिए मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज कौन कौन है इस टाइम पे ग्लोबल सस्टेनेबल एजेंडा में से प्रेसिंग स्विट्जरलैंड डोविस स्विट्जरलैंड बीजिंग चाइना या नो तो पहले जो है थी वो डोविस में होनी थी फिर उन्होंने कुछ कोविड रिलेटेड इश्यूज की वजह से कुछ चेंज कर दिया तो वो कहाँ पे कर दिया उन्होंने जेनीवा स्विट्जरलैंड ओके हु ऑर्गेनाइज द एस डी आई इसी का आगे है ऑर्गेनाइज कौन करता है एस डी आई दैट इज डब्ल्यूफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एनजीओ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जो है ये इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो इसकी जो है वो ऑर्गेनाइज करता है एसडीआई समिट और जो डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के जो हेड क्वार्टर्स है वो भी कहाँ पे है हेड क्वार्टर्स इनके वो है इनके जिनेवा स्विट्जरलैंड ओके okay, इसमें थीम क्या है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी किसकी थी मैं एसडीआई समिट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बैंड कर दी ये बैन की है थालैंड था, uh, की गवर्नमेंट ने कहा पे नेशनल मैरीन पार्क्स में इट इज बैनड बाई था गवर्नमेंट इन ऑल नेशनल मैरीन पार्क में

खत्म कर देते हैं कौन जब सन क्रीम लगा के जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वहां पे तो उनकी वजह से केमिकल्स की इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो है वो ग्रोथ ऑफ कोरल्स को डैमेज हो सकता है तो उन्होंने बैन की थाईलैंड गवर्नमेंट में अब ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कोरल्स का इशू चला तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे अब ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है जो सबसे जहां पे ज्यादा कोरल्स है ना कोरल रीफ तो लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कहां पे है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया ओके कम टू द नेक्स्ट अब कहते हैं कार्बन न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल क्या है

तक ता? 2000 इसका हाफ कीजिए टू थाउजेंड एंड थर्टी ओके चलते हैं आगे इंटरनेशनल सोलर एलायंस क्या है ये इंटरनेशनल सोलर एलायंस ये तो आपने बहुत पहली न्यूज में देखा होगा क्या होता है ये इंटरनेशनल सोलर एलायंस ये स जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये उन कंट्रीज का अलायंस है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो जितनी भी कंट्रीज आती है उनका ये अलायंस है देखिए इट इज अलायंस ऑफ कंट्रीज मोस्ट मोस्ट बीइंग सनशाइन कंट्रीज विच लाइक इधर कंप्लीटली और पार्शली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैपरिक कौन ओके okay. इसके जो मेंबर्स है वो पहले सिग्नेटरी मेंबर जो होते थे इसके वो 101 होते थे अभी बट जो हुआ करते थे जिस टाइम पे ये साइन हुआ था बट अभी जो मेंबर नेशन जो है वो 81 है और इसके हेड क्वार्टर्स कहां है गुड़गांव में गुड़गांव हरियाणा ओके okay. अब पाकिस्तान एंड चाइना जो है वो पार्ट इसके नहीं है ये इंपॉर्टेंट है और इसके इसके पूछे पूछे जा जा सकते, इसके जा सकते। मेंबर्स अब देखिए, इसको फॉर्मर प्रेजिडेंट जो, uh, जो है वो फ्रांस के थे इन सीओ पी ट्वेंटी वन पेरिस फ्रांस ओके क्या कहता है कहता है कि इसको जब लॉन्च किया? एक तो मिनिस्टर मोदी साहब ने किया था और फ्रांस के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं सीओपी 21, ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन जो है दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज व्हाट इज इट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये क्लाइमेटिक एक्शंस के लिए जो है कुछ कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो जाती है तो ये कब हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2015 में पेरिस फ्रांस में उस टाइम पे जो है इन दोनों ने जो है वो लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब क्वेश्चन ये रेज हो जाएगा आपसे कि ये न्यूज़ में क्यों था है ना न्यूज़ में ये क्यों था क्यों क्योंकि जर्मनी जो है दैट बिकम फिफ्थ जर्मनी जो है दैट बिकम फिफ्थ कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑफ्टर अमेंडमेंट क्योंकि अगस्त का अपडेट यही है कि जर्मनी जो है वो फिफ्थ कंट्री बनी ऑफ्टर अमेंडमेंट अमेंडमेंट क्या है इसमें बेसिकली एड जो ऑन एड ऑन जो की वो की है यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लाई गई तो उसकी वजह से जर्मनी जो है अब वो फिफ्थ कंट्री बनी ओके okay. अब क्या पूछा जा रहा है अब है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार क्लस्टर पे sapphire, मतलब ये एक स्टोन है जैसे लगाते हैं नॉर्मली तो ये कहां पे वर्ल्ड लार्जेस्ट पाया गया सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है तो आप क्या बोलेंगे श्रीलंका ओके okay, फिर फॉसिल फ्री स्टील फॉसिल फ्री स्टील जो है कहते हैं स्वीडन जो है दैट बिकम फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील Country. तो वो जो, जो भी फॉसिल फ्री स्टील बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? और प्रोडक्शन हो जाएगी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स में और ये आपसे पूछा जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है इनकी दैट इज हाइब्रिड दैट इज हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू iron making टेक्नोलॉजी ओके okay. अब हमारा दूसरा जो करंट अफेयर है आगे वाला वो है न्यू आइलैंड ऑफ जापान आपसे सिंपल आ सकता है क्या कि अभी जो है अंडर वाटर वॉलिप इरप्शन से कहा का एक नया मतलब वो वा, अंडर वाटर वॉल वार्ट इरप्शन हो गया जिसकी वजह से क्या बन गया अ, अ, न्यू आइलैंड बना कहा का जापान का वो क्रीसेंट शेप में है एंड किलोमीटर इन डायमीटर अगर नहीं भी आएगा तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये वाली रही ठीक अब आगे चलते हैं जो हा अपॉइंटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay. बट न्यू, न्यू पढ़ते पढ़ते चीज ये होती है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर स्ट्रेस होता है उस टाइम पे रिकॉल करना चीजों को बहुत मुश्किल होता है तो मैंने आपको इसको इसलिए यहाँ पे लाया ताकि आपको इजिली रिकॉल वहां पे हो जाए क्योंकि मैंने इसमें ट्रिक्स कुछ रखी है जिसकी वजह से आपको इजिली वहां पे रिकॉल हो सकता है देखिए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है इब्राहिम रायासी हसन रोहानी को पहले थे अब इस टाइम पे कौन है इब्राहिम रायासी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान आप इसको कैसे याद रखेंगे ईरान है ना ई से थोड़ा साइलेंट आ रहा है तो इब्राहिम हो गया आर जो है आर से जो है आप क्या करेंगे रायासी आई से इब्राहिम आर से रयस्सी ओके और ईरान की कैपिटल इज तेहरान ओके कैपिटल भी होगी साथ में अब पूछा जा रहा है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जांबिया न्यू प्रेसिडेंट कौन है जांबिया का आप रखेंगे याद हकांडी हिचलीमा अब इसको कैसे याद रखेंगे देखिए 2019 में जो है ना जांबिया में जो है वो डेबिट क्राइसिस हुए थे ओके okay. जाम्बिया में 2019 में कुछ डेबिट क्राइसिस हुए थे न्यूज में था तो आप इसको कैसे याद रखेंगे जाम्बिया में डेबिट क्राइसिस हो गए तो क्या हो गया वहां कांड हो गया कुछ डेबिट का कांड और आप इसको रखेंगे हकांडे कांडे पिचलीमा ओके okay. इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे फनी है ट्रिकी है बट आपको यार ये करना पड़ेगा ठीक है न्यू पीएम ऑफ मलेशिया देखिए इसमें कैसे कौन है इस्माइल सब हाँ Zambia की कैपिटल क्या है लुसाका अब आता है न्यू पीएम ऑफ मलेशिया न्यू पीएम ऑफ मलेशिया कौन है इस्माइल सबरी याकूब देखिए मलेशिया की स्पेलिंग क्या है लास्ट में वाई एस आई ए है ना लास्ट में वाई एस आई ए तो इसका बैक आप जाएंगे आई से इस्माइल एस से साबरी वाई से याकूब ओके इस्माइल साबरी याकूब फिर मलेशिया का तो आपको पता है कोलमपुर पीएम ऑफ तो आर्मेनिया का कौन है पीएम? यानी दूसरी बार वो है निकोए निकोईन इसमें कैसे आप याद रखेंगे आर्मेनिया यानी अरमान अरमान नहीं कोई पूरे हुए देखो नहीं कोई निकोई शॉर्ट में नहीं कोई पी से पूरे हुए इस तरह अर्मीनिया की क्या है कैपिटल दैट इज यरावन ओके okay. चलते हैं आगे हम एक्सरसाइज पार्ट एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेके एस एस बी जो है एक्सरसाइज से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछता है ज़हर अल बहर

ओके okay. तो जहर से क्या हुआ देखो इंडिया तो होएगा ही होएगा जो दूसरी कंट्री होगी उसका कैसे आप याद रखोगे जहर से कतल हुआ यानी के साइड से कितनी बार कतल हुआ एडिशन दो यानी दो बार ओके okay. इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे और इसमें आई एन एस जो है वो यूज हुई इंडिया नेवल शिप कौन सी यूज हुई त्राई आगे चलते हैं क्या है जयद

चलते हैं आगे हम इंद्रा इंद्रा क्या है अब इंद्र जो है इसमें डायरेक्टली आप देखिए इंडिया आता है और आर ए से रशिया तो ज्वाइंट ट्रेनिंग है इंडिया एंड रशिया के बीच में एडिशन इसका ट्वेल्थ है वॉल्गो ग्राड ये जी है वॉल्गो ग्राड रशिया में होनी है ट्वेल्थ एडिशन इंद्रा का 2021 में फिर चलते हैं आगे काजिन ट्वेंटी वन काजिन से ही निकलता है इंडिया एंड कजाकिस्तान तो इट इज अंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान एडिशन इसका कितना है फिफ्थ एडिशन है इसका Yes, इसका एडिशन जो है वो फिफ्थ है और कहां पे होनी है आयशा बीबी कम्स नेक्स्ट क्या है कौन कन शक्ति ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार आ सकता है कौन कन शक्ति क्योंकि इसमें कुछ एडिशन हुए यानी इसमें ट्राई सर्विस जो है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ये बनी है फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज है कौन कौन शक्ति इट इज अ बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूके यानी ब्रिटेन इट इज फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका इट इज फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ट्राई सर्विस मतलब नेवी आर्मी जो तीनों होंगे इसमें इसमें कौन कौन सी शिप्स जो है वो यूज हो जाएंगी आई एन एस तबर आई एन एस तेज एंड आई एन एस आता है कॉर्पेट कॉर्पेट क्या है कॉर्पेट क्या है दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ओके इट इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन ठीक एडिशन कौन सा है थर्टी सेवन एडिशन है और इंडियन नेवल शिप कौन सी यूज हो जाएगी हो जाएगी और इंडियन नेवल सॉरी इंडोनेशिया नेवल शिप कौन सी के आर आई बंग टोमो और ये बेसिकली स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स के लिए और ये वो वाली एक्सरसाइज है जो वन ईयर में टू टाइम्स हेल्ड होती है ओके टू आइस इन ईयर लिखा है अब चलते हैं आगे अब क्या है अल मोहद अल हिंदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा कौन कौन शक्ति है इस तरह ये भी इंपॉर्टेंट है क्यों इट इज फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज क्या है फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज इस किसके बीच में इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच में अब इसको कैसे आप याद हिंद से तो इंडिया आ गया अल मोहद जो है इसको अरबिक वर्ड है मोहद ओके okay. ये नेम ऑफ अ बॉय और अ गर्ल इस तरीके से है तो सऊदी अरबिया से आप इसको याद रखेंगे इंडिया एंड सऊदी अरबिया की है चलो आगे चलते हैं हाँ और इसमें कौन सी अलमोहद अल हिंदी में कौन सी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी दैट इज आई एन एस कोची जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इसमें अब आता है फिर इसके बाद मालाबार नेवल तो जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है ये कंडक्टेड बाय क्वाड कंट्रीज अब क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सा आ गया हमारा यूएसए आ गया इंडिया आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया और ऊपर जो है वो जापानीटर क्वाड कंट्रीज जो है इसमें कंडक्ट uh, वो करेंगी मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया की तरह से जो वारशिप होगी वो आईएनएस शिवालिक होगा आईएनएस कादमंत होगा एट द कॉस्ट ऑफ गोम पे होगा गोम कहाँ पे ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहां पे जो है ये एक्सरसाइज मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हो जाएगी ओके okay, अब हम जो है वो हम बुक्स की ओर चलते हैं

लिखा है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे देखिए हमें पता है कि जब पुलवामा हुआ था आप इसको ऐसे याद रखेंगे इंडिया ने मना किया था टेररिस्ट को अटैक मत करो जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की मना से मतलब इंडिया ने मना किया टेररिस्ट को तो मनन से याद रखोगे मनन बट ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या पूछ रहा है एक्सल कौन सी बुक है एक्सल रेटिंग इंडिया सेवन ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट एक्सेलरेटिंग इंडिया इंडिया सेवन ऑफ मोदी गवर्नमेंट कौन है, कि है? So, है, 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 है किसकी वजह से क्योंकि सब कुछ जो है वो डिजिटल है तो so, फोन की वजह से ही है ना डिजिटल ओके फोन या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप एल फोन की वजह से याद रखेंगे फोन की वजह से इंडिया क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है ठीक आगे चलते हैं हम ऑपरेशन खुखरी बुक है किन लिखी है ऑपरेशन खुखरी ऑथर कौन है राजपाल पुनैया एंड एम एस पुनैया

ऑपरेशन के साथ रिलेटेड देखिए ये बेसिकली ये कहाँ पे ऑपरेशन किया था ये वेस्ट जो हमारा वेस्ट अफ्रीका है ना वहाँ पे ये ऑपरेशन जो है ये लॉन्च हुआ था बेसिकली वहाँ के जो भी जंगल्स में फॉरेस्ट्स में ना कुछ टेररिस्ट थे तो यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड नेशन है हमारा उन्होंने और इंडिया ने जो है मिल के जो है इस ऑपरेशन खूखरी को किया हुआ था तो इस पर एक बुक भी लिखी गई है हम आगे चलते हैं दैट्स

इस बुक का द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन सुजाता प्रसाद एंड बीमल प्रसाद कैसे याद रखेंगे देखो जब रेवोल्यूशन होता है यानी क्रांतिकारी होती है तो सबको प्रसाद मिलता है उससे अब मे बी एग्जामिनर चेंज करके प्रसाद के आगे जो है कुछ और नाम भी याद रखे वो लगा देंगे तो आप इसको कैसे याद रखोगे सुजाता यानी सूजी का प्रसाद बीमल यानी भीम भी खाता है प्रसाद इस तरीके से जो है आप द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन को याद रखेंगे या आप अपने भी कुछ बना सकते हैं ये तो मैं जस्ट अप, जो मैंने बनाया हुआ मैंने जैसे उसको देखा है तो मैं वो बता रही हूं आपको अब आ जाता है नेक्स्ट लेपर्ड डेरीज जो है, है ये एक बुक है जो किसके लिए है आप कैसे कंजर्व करोगे लेपर्ड्स को? और दूसरी बात क्या है इन्होंने रिकमेंडेशन दी है लेपर्ड और ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है मतलब कंफ्लिक्ट वाला वो कैसे आप कम कर देंगे यानी रिकमेंडेशन टू अवॉइड लेपर्ड एंड ह्यूमन कंफ्लिक्ट और इसके ऑथर कौन रहे संजेह गुबी संजय गुभी जो है इसके ऑथर रहे इसको कैसे याद आप रखोगे लेपर्ड कहाँ है सेंचुरी पार्क्स ऐसे वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में होते हैं संजय से, से सेंचुरी से आप याद रखेंगे लेपर्ड ओके और ये जो संजय गुभी है आल्सो अवार्डेड विद विटनी अवार्ड विटनी अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है कब मिला है इनको 2017 में ओके okay, अब हम नेक्स्ट की ओर जो है वो चलते हैं नेक्स्ट बुक जो है हमारी दैट इज कॉमन वेल्थ क्रिकेट कॉमन वेल्थ क्रिकेट कैसे आप इसको याद रखेंगे इसके जो ऑथर है दैट इज रामचंद्र गुहा कौन है रामा चंद्र गुहा अब कैसे याद रखेंगे क्रिकेट क्रिकेट जब होता है स्टेडियम्स में तो गुहार लगती है यानी इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा इस तरह से गुहार लगती तो आप इसको याद रखेंगे इस तरीके से ओके okay, फिर एक और बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि जो भी बुक्स फीमेल ने लिखी होती है वो मैक्सिमम और नंबर ऑफ चांसेस है वहां से आपसे पूछा जा सकता हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ऑथर कौन है इसका सुधा मूर्ति आप इसको कैसे जोड़ेंगे इस ऑथर को क्योंकि मूर्ति ब्यूटीफुल इस तरीके से इन दोनों को आप जोड़ेंगे वो क्या था शी वॉज द रेसिपियंट ऑफ पद्मश्री इन टू थाउजेंड सिक्स वो क्या है अभी शी इज द रेसिपियंट ऑफ पद्मश्री इन टू थाउजेंड सिक्स सुधा मूर्ति ओके okay, फिर आगे चलते हैं माई आउन मजा गाउ माई आउन मजा गाउ जो है ऑथर कौन है कैप्टन रमेश बाबू इसको कैसे आप याद रखेंगे माई आउन मजा गाउ कैप्टन रमेश बाबू बाबू के गांव में मजा है इस तरीके से जो है वो आप इसको याद रखेंगे चलते हैं आगे आइडियल वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है आइडियल मतलब परफेक्ट परफेक्ट वर्ल्ड ओके आइडियल वर्ल्ड किसने लिखा है ऑथर कौन है कुणाल बासु अब इसको कैसे याद रखोगे परफेक्ट तभी आपको वर्ल्ड लगती है जब आपके साथ कोई होता है डोगरी में कहते हैं ना नाल नाल मतलब कोई पास तो कुन नाल, जब कोई नाल होता है पास होता है तो उस टाइम पे वर्ल्ड जो है वो परफेक्ट लगती है ओके अब हम चलते हैं आगे करंट अफेयर्स को अगर आप बोर तरीके से पढ़ोगे ना फिर कभी जो है ना आप पढ़ नहीं सकते हो सही ढंग से उनको ओके हम कहां पहुंचे अब आ जाता हमारा राम राव अब रामराव जो है ये एक बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन फॉर्म क्राइसिस पे जो ऑथर कौन है इसका जयदीप हार्दिककर और राम जो गॉड है उनको तो आप कैसे जय जय करके जो है वो आप याद रख सकते हैं अब देना आता है एक और बुक आता है हमारी कौन सी मोनकिन मक मोनकिन मक और ये बुक भी जो है ये इंपॉर्टेंट बनती है क्यों इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि रिलीज्ड पोस्ट हिमैसली मतलब इनकी डेथ के बाद जो है ये बुक रिलीज होगी इनके डेथ के बाद पोस्टमसली वो होता है मोनकिन मर्क ऑथर कौन है अशोक पन गारिया अब इसको कैसे याद रखोगे पनगारिया को अशोक यानी शोक था कहा किन के यहां जाने का किन मतलब रिश्तेदारों के यहां जाने का तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे और एक और बुक है हमारे पास वो है दर्थ स्पिनर अर्थ सिपना तो ये ऑथर कौन है इनकी वो भी एक फीमेल है तो इंपॉर्टेंट बुक बनती है दैट इज अनु राधा रॉय ठीक है ये फेमस नॉवलिस्ट है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे द अर्थ स्पिनर अर्थ स्पिनर को आप ऐसे याद रखेंगे अर्थ यानी धरती अन अर्थ अन, से हमें अन मिलता है तो अनुराधा रॉय आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं तो ये आपके जो है ये बुक्स भी जो है वो कंप्लीट हो गई ओके okay. ये जो आज का जो है हमारा करंट अफेयर्स का जो है ये ख़त्म हो जाता है नॉट ऑगस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है इसके बाद जो है आपके अवार्ड्स होंगे उसके बाद आपके स्पोर्ट्स होंगे उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स होगी और हमारा नेशनल के कुछ स्कीम्स होंगी या और भी कुछ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ मैं आप, आपको पढ़ा दूंगी और आई yeah, होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और प्लीज अगर कोई भी इशू या कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लिख सकते हैं कि मैं ज्यादा जाद, डीप है या ज्यादा सुपरफिशियल है या क्या आनी होगी ठीक है ओके तो आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा अच्छे से पढ़िएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जामिनेशनस